सब्ज मिर्च और प्याज, प्याज के साथ साथ चने। नॉट बैड। अच्छा ये बताओ आज मौसम कैसा है? मौसम एकदम खास। ये आप किस चीज को देख के मौसम कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, देवी व्लॉग के साथ आपका भाई रंजीत खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हाँ जी मोहसिन साहब, आपको अनसीन ईद का बताते हैं, आपको अनसीन रमजान का बताते हैं। तो अभी आप घर जाके तरावीह पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेगा, रात के 12 बज रहे हैं, कौन पढ़ेगा। अच्छा हम इस टाइम बैठे हैं बिल्कुल जामा मस्जिद बहावलपुर के नीचे, जहाँ पे देखे हर बंदा अपना रात का खाना खाने आया हुआ था। और इसके साथ साथ अचानक पता लगा तो पूरे शहर के अंदर हलचल मच गई है। और इसके साथ साथ ये आतिशबाजी क्यों कर रहे हैं यार? आवाज आ रही है ना? बगैर तरावी पढ़े सबको रमजान मुबारक। पहला बगैर तरावी पढ़े आप सबको रमजान मुबारक। हम ये देखें अंडा छानी खाने हुए थे और इतना ज्यादा रश है और हलचल मच गई है। अच्छा तो जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जूं ही हम फ्री हुए तो मैंने कहा कि आओ यार घर चलते हैं, घर जाके नमाज पढ़ते हैं। तो रास्ते में बड़ी मजेदार किस्म की बारिश नजर आई। खवातीन और हजरात, अनसीन रोजे का एक यही चने चावल वालों के लिए नुकसान होता है कि वो अपनी तैयारी पूरी नहीं कर सकते, जिस तरह हमारे मोहल्ले के नवीद भाई कर रहे हैं। ना इन्होंने बल्ब लगाया, ना इन्होंने कोई बैठने की जगह, ये खुला तजाद नहीं तो क्या है भाई? आगे से अचानक भी तो बोल देना। मैंने पहले लफ्ज अचानक बोला है, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत है, इन्होंने 3 घंटे में चने तैयार किए। चनों के साथ साथ नान है या नहीं है? है नान है। अब ना चने ले लिए, चने लेने के बाद अब जो दूसरा मेन काम होता है वो होता है दही, क्योंकि सुबह सहरी के टाइम दही का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। भाईजान दही तैयार है, ठंडी भी है या नहीं है? ठंडी भी है। ठंडी है, चले आप दही को तोले। हो गया पैसे दी। पैसे भी लेंगे या आखिरी रोजे पे हिसाब करें? हम आखिरी रोजे पे हिसाब करेंगे, ठीक है? ओके हो गया, ओके आखिरी आखिरी रोज, आज पहला रोज है ना, अब दुआ करें 30 रोज हो जाए जल्दी ऐसा ना। चलो ठीक है, ओके। अच्छा तो जैसे ही घर आया, अम्मा के साथ हाथ बटाया, दही को बाउल में निकाला और चनों को प्लेट में निकाला और अम्मा के हाथ के गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे। तो हमने तो बाहर नाश्ता करना था, बाहर हमने नाश्ते का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी हमारे साथ बाहर सहरी करनी थी। मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से डॉक्टर साहब की आँख बिल्कुल भी नहीं खुली। जी काफ़ी चीज़ सर्च करने के बाद, क्योंकि आज पहला रोज़ा था और अनसीन रोज़ा बना, तो जिसकी वजह से ना हमें एक ठेला मिला और यहाँ पे मैं और मेरा भाई आके हमने करना है नाश्ता, सहरी करनी है तो यहाँ पे सहरी करते हैं। आज मौसम भी काफ़ी मज़ेदार किस्म का बना हुआ था, तो जैसे ही पता चला उसके तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ पे बारिश हुई है, ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है। मौसम बड़ा फिट हो गया है, रमज़ान का पहला रोज़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, और अभी तो हम साथ में आए थे। अच्छा ये बताओ आप नाश्ते में सहरी में क्या लोगे? क्या लोगे? चने चावल खाते हैं। चने चावल और साथ में नान चने? नहीं नहीं, नहीं। क्या वजह? घर चल के चाय पियेंगे और। अच्छा बस। अच्छा ये बताओ आज मौसम कैसा है? मौसम एकदम खास। ये आप किस चीज़ को देख के मौसम कह रहे हो? बस मैंने कुछ कहना नहीं है ना। चलो आओ यार बैठते हैं और मज़ेदार किस्म के। ये आज सिर्फ आप आए हुए हैं या कोई और भी आया हुआ है? बाबर आया हुआ है, वाली साहब नहीं है आज? वो लगा रहे हैं में नहीं, वो तो नहीं ठहरे आज, खड़े हुए हैं। अच्छा हमारे सामने ना चावल की प्लेट आ गई है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के सब्ज़ मिर्च और प्याज, प्याज के साथ साथ चने। चने किस तरह खूबसूरत किस्म की चावल प्लेट, आ हा 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 मज़ेदार। हाँ जी कैसा टेस्ट है? ज़बरदस्त है। अब ना हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, मिक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज जो अनसीन सीन हुआ है ना, तो एक ही शॉप खुली हुई, एक ही ठेला खुला हुआ है और एक बहुत दूर था। तो सबसे पहले हमने एक चम्मच लिया, चम्मच के साथ सब्ज मिर्च और प्याज प्याज। नॉट बैड, 6 out of 10। चले पहला रोज़ा था, पहली सहरी थी और कोई बात नहीं, ना कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो एक और समझ छोड़ो, ये बताओ कि आज मौसम कैसा बना हुआ है? मार्च के अंदर दिसंबर की फिर से। अच्छा हम कह रहे थे एक जगह पे, तो मेरे घर से कॉल आई है कि जल्दी जल्दी कार आ जाओ, मतलब 1 किलोमीटर का फासला था,
तो घर बारिश हो रही थी, हम वहाँ पे खड़े थे, तो मैंने कहा यहाँ पे तो कई तारे निकले हुए हैं। जैसे ही 5 मिनट गुजरे हैं, 5 मिनट के आते ही ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है, मज़ेदार किस्म की, मौसम ठंडा हो गया और यहाँ पे अभी मुझे ना ऐसे थोड़ा ठंड टाइम महसूस हो रही है। और ये मार्च की तकरीबन 23 मार्च है, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। इसके बाद हम घर आ गए, हमारे घर के सामने बिल्कुल मस्जिद है, तो मस्जिद में इमाम साहब बता रहे थे कि रोज़ेदारो, अल्लाह नबी दे प्यारो, जल्दी जल्दी उठो, रोज़ा रखो, तो हर मस्जिद में ये कहते हैं। तो टाइम रहता था तकरीबन आधा घंटा, हमने काफ़ी टाइम बाहर लगाया था। तो घर जैसे ही आया, गर्मा गर्म चाय तैयार थी, चाय को मैं लेके अपने रूम में आया, पहली सिप ली, चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी और मुझे पता ही नहीं लगा कि यार इतनी गर्म थी, मैंने अपना होंठ जला दिया। इसके साथ साथ दूसरी सिप लेते हैं और वो मैंने पहले फूंक मारी, फूंक मारने के बाद चाय की दूसरी सिप ली और बड़ी मज़ेदार किस्म की चाय थी। और आहिस्ता आहिस्ता सहरी का टाइम इख्तिताम को पहुंचने लगा। मैं और मेरे घर वाले वसीम बदामी का ये शो बड़े शौक़ से देखते हैं और हमने वसीम बदामी का ये शो देखा जी। तो इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी हो गई। पहली सहरी में मैंने आपको बताया कि अनसीन बना, तकरीबन 10:30 बजे इन्होंने ऐलान किया कि चाँद नज़र आ गया। तो जैसे ही चाँद नज़र आया, मैं कहाँ बैठा था वहाँ पे, हमने खाना खाया पहले, खाना खाने के बाद फिर हमने सहरी की, सहरी के साथ साथ चाय पी, चाय पीने के साथ साथ थोड़ी वॉक भी लाजमी है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद, सहरी करने के बाद आपने थोड़ी सी वॉक भी लाजमी करनी है, ताकि जो आपने सहरी की है, खाना खाया, वो आपका हज़म हो जाए, क्योंकि उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने सो जाना है। तो इसलिए लाजमी है कि आपने थोड़ी सी वॉक लाजमी करनी है। तो अब नमाज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट सहरी डन अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी भी कर ली, सहरी के साथ साथ हमने खाना भी खाया था, खाना खाने के बाद वॉक भी कर ली, वॉक करने के साथ साथ नमाज फजर भी अदा हो गई। इसके साथ साथ आज का व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। हमारी फर्स्ट सहरी जो अनसीन सहरी थी, बहुत मज़े की हुई, बहुत मज़े की। मैं और भाई बाहर सहरी करने गए, घर आके चाय पी, चाय पीने के साथ साथ फिर अम्मा के हाथ का जो पराठा था वो भी खाया था थोड़ा सा। तो इसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।